नमस्कार, मैं हूं राजन कुमार, आप देख रहे हैं देश डी न्यूज़। लगातार दरोगा अभ्यर्थी एग्जाम को रद्द करने को लेकर सड़क पर उतर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। वहीं सीएम नीतीश कुमार हाय हाय का नारा लगा रहे हैं और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। आज भिकना पहाड़ी पे हजारों की संख्या में दरोगा अभ्यर्थी उतरे और जमकर हंगामा किए। देखिए एक तस्वीर। बिहार में दरोगा परीक्षा के अभ्यर्थी एक बार फिर से आंदोलन के मूड में है। परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर मंगलवार को पटना में दरोगा अभ्यर्थियों ने फिर से प्रदर्शन किया। परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग को लेकर दरोगा अभ्यर्थी विधानसभा का घेराव करने निकले थे। उनके विरोध प्रदर्शन के दौरान किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो, इसको देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे। कारगिल चौक से लेकर डाक बंगला चौराहे तक जहां पुलिस की मुस्तैदी दिखी, वहीं जेपी गोलंबर के पास बैरिकेटिंग किया गया ताकि प्रदर्शनकारियों को रोका जा सके। आपको बता दें कि बिहार में दरोगा की भर्ती परीक्षा की पीटी का रिजल्ट हाल ही में आया है, जिसके बाद से कुछ अभ्यर्थी इसमें गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए परीक्षा को रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हुए हैं। आंदोलनकारी अभ्यर्थियों के समर्थन में एलजेपी के सांसद चिराग पासवान भी खड़े हुए थे और उन्होंने भी चिट्ठी लिखकर सीएम से परीक्षा को रद्द करने की मांग की। वहीं दूसरी ओर परीक्षा लेने वाला आयोग पहले ही साफ कर चुका है कि परीक्षा में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है और ये परीक्षा रद्द नहीं की जाएगी। डीएचडी न्यूज के लिए पटना से राजन कुमार की रिपोर्ट। तो आपने देखा किस तरीके से भिकना पहाड़ी होते हुए दरोगा अभ्यर्थी कदम कुआं तक पहुंचे। पहुंचने के बाद कई कोचिंग संस्थानों को बंद कराया गया। वहीं पुलिस भी अलर्ट पे रही। कारगिल चौक से लेकर डाक बंगला तक पुलिस मुस्तैद थी। वहीं दरोगा अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक सीबीआई जांच की मांग पूरी नहीं होती है, तब तक हम लोग उग्र आंदोलन और प्रदर्शन करते रहेंगे। सीएम नीतीश कुमार सीबीआई जांच मांग को लेकर क्यों मौन बैठे हुए हैं? उन्हें सीबीआई जांच करवानी होगी, चाहे वो जैसे करवाएं। अपने सहयोगी राजेश के साथ राजन कुमार, देश डी न्यूज़, पटना।